चलिए दोस्तों, इसके जो पहले आपको वीडियो दिया गया था, आर्कटिक महासागर और बाल्टिक महासागर में गिरने वाली यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां थीं। यहां पर एक फेचोरा नाम की नदी आई थी, मेजन आई थी, नॉर्थ दोयना आई थी, ओनेगा आई थी। यहां पर जो प्रमुख जो नदी थी, वेस्ट दोयना थी, निमैन थी, वेस्चोला नाम की एक नदी थी, ओडर नाम की नदी थी। ये प्रमुख नदियाँ इसके पहले जो आपको वीडियो दिया गया होगा इसमें आई होंगी। अब ये जो आपको विशेष वीडियो दिया जा रहा है, विशेष रूप से जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश की विश्व प्रसिद्ध नदी है, और जो विश्व प्रसिद्ध नदी है उस नदी का नाम है एल्ब नाम की एक नदी है, एल्ब नाम की एक नदी है। इस एल्ब नदी का विशेष वीडियो आपको दिया जा रहा है। एल्ब नदी जो जर्मनी देश है, जर्मनी देश यानी कि 1990 में जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, 1990 से पूर्व वेस्ट जर्मनी भी था और ईस्ट जर्मनी भी था, तो ईस्ट जर्मनी था और वेस्ट जर्मनी था, ठीक है। तो 1990 में इनका एकीकरण हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का 1990 में एकीकरण हुआ था। उससे पूर्व जो एल्ब नाम की नदी है, ये दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा या राजनीतिक सीमा बनाती थी 1990 से पूर्व। तो जो मुख्य नदी है, ये वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ सी वाला क्षेत्र है, नॉर्थ सी वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है, उत्तरी सागर वाला ये क्षेत्र है। तो जो जटलैंड नाम का जो प्रायद्वीप आया था, जिस पर ये वाला जो क्षेत्र है, जटलैंड नाम का एक प्रायद्वीप था, जिस पर जो मुख्य देश था डेनमार्क था, इस पर इसका अधिकार था। इसी के पश्चिमी भाग से होती हुई यहाँ पर जो बोहेमियन उच्च भूमि वाला क्षेत्र आया था, इसके पहले आपको पर्वतीय पठारों में दिया गया होगा बोहेमियन उच्च भूमि या बोहेमियन मैसिफ। तो जो चेक गणराज्य में इसका विस्तार है, तो ये बोहेमियन मैसिफ नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है, बोहेमियन मैसिफ से इस नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है एल्ब नदी, इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे बहती हुई और यहाँ जाकर के जो उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ जाकर के गिर जाती है। नदी का नाम है एल्ब नदी, यानी कि एल्ब रिवर है, ये एल्ब नदी है, ठीक है। ये एल्ब नाम की एक नदी है, एल्ब रिवर है जो जर्मनी देश की मुख्य या विश्व प्रसिद्ध जल परिवहन मार्ग वाली नदी है। जर्मनी देश में इस नदी के द्वारा जल परिवहन मार्ग विकसित किया गया है। तो ये जो नदी है, बोहेमियन उच्च भूमि से निकल करके इस 1990 से पूर्व पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में प्राकृतिक या राजनीतिक सीमा बनाती हुई जो उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ जाकर के नदी गिर जाती थी। जर्मनी देश में यह नदी जल परिवहन मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो नदी है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली एक विश्व प्रसिद्ध नहर है, ठीक है। यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, उसी नहर के मुहाने पर ये नदी जाकर के गिरती है। नहर का नाम है कील कैनाल या कील नहर है, जर्मनी देश की विश्व प्रसिद्ध नदी है, नहर है, कील कैनाल है। तो कील कैनाल की लोकेशन देखिएगा, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नदी का नाम क्या है, कील नहर है, जर्मनी देश की नहर है। तो इस ये जो नदी है, एल्ब नाम की एक नदी है, एल्ब नदी की एक सहायक है, छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनमें से जो प्रमुख सहायक नदी है इस क्षेत्र से होकर के ऐसे बहती है, और जो एल्ब नाम की नदी है इसमें जाकर के मिल जाती है। नदी का नाम है स्प्री, ये स्प्री नाम की एक नदी है, किसकी सहायक है, एल्ब की सहायक नदी है, और
इस नदी के तट पर जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, इस नदी के तट पर अवस्थित राजधानी है बर्लिन नाम का एक शहर है। तो बर्लिन जो राजधानी शहर है वो इस्परी नदी के तट पर अवस्थित शहर है। अब यहाँ से देखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि इस्परी नदी नहीं दिया हो, एल्ब नदी दिया गया हो, तब माना जाएगा एल्ब नदी पर अवस्थित है, या फिर दोनों ऑप्शन दिए हो सकते हैं, इस्परी भी होगा और एल्ब भी होगा। तो सही आंसर होगा क्या, इस्परी है। इस्परी एल्ब की सहायक नदी है। एल्ब यदि नदी जो इस्परी नाम की नदी है ये ऑप्शन में नहीं है, तब फिर यदि एल्ब नदी ऑप्शन में है तब फिर एल्ब नदी ही माना जाएगा। तो इस्परी किसकी सहायक हो गई है, एल्ब की सहायक नदी हो गई है। इस्परी नदी के तट पर जो बर्लिन राजधानी शहर है, जर्मनी की राजधानी है, इसके तट पर अवस्थित है। इसके अलावा जर्मनी देश के जो दो विश्व प्रसिद्ध शहर और हैं, एक शहर तो आपको मिलेगा हैमबर्ग नाम का एक शहर मिलेगा, तो जहाँ पर मुहाना है उसी के जस्ट पास में एक शहर मिलेगा, विश्व प्रसिद्ध शहर है हैमबर्ग नाम का एक शहर है, हैम वर्ग नाम का एक शहर है। जो हैमबर्ग नाम का शहर है पूरे विश्व में या जर्मनी देश में जो शिप बिल्डिंग का कार्य होता है या जो जहाज निर्माण का कार्य होता है, यानी कि शिप बिल्डिंग के लिए, ये शिप बिल्डिंग के लिए ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। जो हैमबर्ग शहर है पूरे विश्व में और जर्मनी देश में जहाज निर्माण के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ मिलेगा, जो एल्ब नाम की नदी है इसके जस्ट मुहाने के पास में मिलेगा हैमबर्ग नाम का शहर। इसके अलावा जो नदी है जहाँ से नदी निकलती है, जैसे जर्मनी देश में प्रवेश करती है, तो जस्ट बॉर्डर के पास में एक छोटा सा शहर और है, ठीक है, ड्रेसडेन नाम का एक शहर है, ड्रेसडेन। तो यहाँ पर ये मिलेगा कि जो शहर है वो ड्रेसडेन नाम का एक शहर है। तो ये ड्रेसडेन और हैमबर्ग मुख्य रूप से जो मुख्य नदी है एल्ब नाम की नदी है इसके तट पर अवस्थित हैं, जबकि जो बर्लिन जो राजधानी शहर है वो इस्परी नदी के तट पर अवस्थित हैं। जो ड्रेसडेन है पूरे विश्व में चीनी जो चीनी मिट्टी का जो कार्य होता है, यानी कि चीनी मिट्टी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, ये चीनी मिट्टी उद्योग के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जो ड्रेसडेन है जर्मनी का शहर है, विश्व में चीनी जो मिट्टी का उद्योग लगाया जाता है उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये जो नहर है जो किस किस को जोड़ रही है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, कील नहर है, जर्मनी देश की है। तो जी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नाम की नहर है, और कील नाम का ही एक शहर है, वो शहर भी चूँकि जर्मनी देश का ही है तो कील नाम का एक शहर भी है, कील नाम की एक नहर भी है। आवश्यकता हुई तो हम कील जो नहर है उसका आपको विशेष डायग्राम या विशेष जो करेक्टरिस्टिक हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। तो जो एल्ब नाम की नदी है, ठीक है, जर्मनी देश की मुख्य नदी है, ये विशेष वीडियो आपको दिया गया है, एल्ब जो नदी है उसके बारे में आपको दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।